Assalamu alaikum once again. Welcome to Hassan and Company's vlog. I'm back with another, this time Amazon parcels ka video hai. Theek hai? Okay. Acha. Before we start, there are some important points that I want to discuss. First of all, thank you so much for giving the previous video so much love. Acha. Ab ye hai ke ye parcels, aap log agar dekh rahe ho, these are comparatively huge parcels. ठीक है, नॉट इवन बिग, दीज आर ह्यूज पार्सल्स. ये है, ये है, ये है, ये है, एंड दिस हियर. नाउ सीन ये कि मैंने आपको बताया था कि अमेज़ॉन आया एंड इट इज़ ऑलमोस्ट आउट ऑफ स्टॉक नाउ. ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने ये बताया था. वी ओनली हैव 20 kg लेफ्ट फॉर द मोमेंट. ठीक है, जिसकी क्यूरीज हमें आ भी रही हैं, लेकिन हमने सोचा कि हम एक दफ़ा आपको दिखा दें कि हाउ अमेज़ॉन बेसिकली समटाइम्स लुक्स लाइक. क्योंकि देखा, हर दफ़ा ये नहीं होता कि बड़े पार्सल ही आएंगे. ठीक है, कहते ना कि समटाइम वो स्नूकर जो लोग खेलते हैं उनको पता होगा बाला. ठीक है, तो समटाइम इट्स अ फ्लूक हो जाता है, बड़े पार्सल अच्छे पार्सल आ जाते हैं. दिस टाइम इट वॉज ऑल अबाउट द बिग पार्सल्स, ह्यूज पार्सल्स, बड़े अच्छे अच्छे पार्सल्स हैं. वैल्यूज़ की बात करते हैं, सब कुछ अभी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले ये है कि हम वीडियोस ही बना रहे हैं ताकि आप लोगों को एक ओवरव्यू मिल जाए कि जो 20 kg हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है उसमें आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, अच्छा, इसमें ये नहीं होगा कि 10 kg दे दें, 10 kg दे दें. आई बिलीव कि 20 kg साथ ही जाएगा. ठीक है, सो इसमें अब होता ये सीन है कि 75% to 80% जो पार्सल होते हैं दो आर ह्यूज. ह्यूज मीन्स दे आर हैवी इन वेट, वेट वाइज वो हैवी होते हैं, वैसे भी लुक वाइज भी दे फील बिग. एंड विद डैट जो मीडियम साइज पार्सल्स होते हैं वो मिक्स्ड होते हैं बीच में. ठीक है, क्योंकि हर पार्सल तो बड़ा नहीं होगा वरना वेट बहुत एक्सीड कर जाता है. तो इसीलिए क्योंकि ये बड़े पार्सल होते हैं एंड दीज आर वैल्यूबल पार्सल, इनकी जो प्राइस होती हैं वो थोड़ी सी हाई होती हैं एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस स्टॉक यू बीन बाइंग फ्रॉम हसन कंपनी. ठीक है, अच्छा, एक पर्सनल मैं आपको नोटिस वो कह दें कि रिकमेंडेशन देना चाहता हूँ यहाँ पे वो लोग जो कि कोई काम शुरू करना चाह रहे हैं विद अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी. ठीक है, आई विल रिकमेंड देम कि स्टेप आउट देयर. एज आई वाज स्पीकिंग कि जिस तरह हम ये पार्सल्स हैं या फिर जिस तरह ये ब्लाइंड शॉट्स का काम है, वो लोग जो लिमिटेड अमाउंट के साथ बाय करना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज दिस से फॉर एग्जांपल सर हमारे पास 20,000 है या हमारे पास 25,000 है या हमारे पास 15,000 है, तो हम उसे स्टार्ट करना चाह रहे हैं. ठीक है, एंड वी हैव दिस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी कि हम इन्वेस्ट कर सकते हैं या हमारी सेविंग में इतने पड़े हुए हम इतने इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो ये जो ब्लाइंड गेम है ना, आई रादर सजेस्ट कि स्टेप आउट ऑफ इट. ठीक है, क्योंकि हमारी ऑब्जर्वेशन ये है कि जो ये वाला सेक्टर है दे आर नॉट रेडी टू टेक रिस्क. ठीक है, देखें सीधी सी बात है, ये आपके सामने, ये मेरे सामने एक चीज़ पड़ी है, आई डोंट नो व्हाट इट कंटेन्स. ठीक है, कुछ पार्सल होते हैं जिन पे मेंशन्ड होता है. ठीक है, जिनकी जो जिनके ऊपर ये कहते हैं तो वो इतने ज़्यादा लाट के अंदर वो मिस हो जाते हैं कि उनकी वो रब नहीं कर पाते या उसके ऊपर वो स्टिकर नहीं लगा पाते. जिस तरह ये चीज़ें हैं मैं आपको बताता हूँ वो चीज़ें भी, लेकिन 80% ऑफ दो पार्सल्स डू नॉट कंटेन एनी सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑन इट. ठीक है, तो 80% इट्स अ ब्लाइंड शॉट. क्या है क्या नहीं, यू नेवर नो. आपकी बहुत अच्छी चीज़ निकल आती है, आपकी बहुत पैड़ी चीज़ निकल आती है, बहुत बुरी चीज़ निकल आती है. ठीक है, तो वो लोग के जो मेंटली रेडी नहीं है कि दे आर नॉट एबल टू टेक रिस्क, ठीक है, तो वो प्लीज़ स्टेप आउट कर जाए. हाँ, उनके लिए ये है कि वी है हमारे पास कह लें कि ओपन माल भी आता है, खुला माल भी आता है. ठीक है, वी हैव कॉस्मेटिक्स, हमको आप चैनल पर जाएँ, वीडियोज़ में आप चेक कर सकते हैं कि हमारे पास कॉस्मेटिक की आइटम्स आती रहती हैं जो कि खुली हुई होती हैं, होती वो इम्पोर्टेड ही हैं बट देर ओपन, फिर वो भी केजी के हिसाब से ही डील होती हैं. तो यू कैन बाय दोज थिंग्स, आप उन, क्योंकि जो चीज़ आपके सामने, इफ़ यू गाइज आर नॉट एबल टू टेक रिस्क, फिर आप वो लें जो चीज़ आपके सामने, जो आपकी आंख देख सकती है, हाँ भाई दिस इज़ द प्रोडक्ट बेसिकली, तो वो चीज़ भी आती हैं. यू कैन गो टू द चैनल, आप चैनल पर जाएँ, वीडियोज़ में जाएँ एंड नीचे जाएँ, तो आपको वो वीडियोज़ भी मिल जाएंगी. दीज पार्सल्स आर प्योरली फॉर दोज जो काम कर रहे हैं या जो लोग रिस्क ले सकते हैं, या पर्सनल सेटिस्फैक्शन है कि भाई हम भी ज़रा खोल के देखें अंदर से क्या क्या चीज़ें निकलती हैं. नंबर वन. नंबर टू, वो लोग जो काम करना चाह रहे हैं, ठीक है, या उनकी अपनी दुकानें, वो लोग जिनको पता है कि कुछ भी हो जाए वो बेच लेंगे. ठीक है, तो दे कैन बाय दिस पार्सल. एज वी से, हमें नहीं पता क्या है, सो वी नेवर टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. हम हमेशा कहते हैं कि वी नेवर एवर टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, ना हम कोई चीज़ दी गई चीज़ वापस लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जब व्हेन द पार्सल इज ओपन
वो ओपन है, हम वो प्रोडक्ट क्यों वापस नहीं, क्योंकि हमें भी नहीं पता अंदर क्या है। या तो हमें पता है ना कि भाई ये चीज़ है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये माइक आपको सेल किया, इसमें कोई ख़राबी आ जाती है, ओके यू कैन गेट बैक टू मी, भाई जो आपने माइक दिया ये ख़राब है, ठीक है, देन इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो मैंने आपको प्रोडक्ट दिया वो ख़राब नहीं, मैं आपको रिप्लेस करके दूँ या रिफंड दूँ। पहली चीज़, एक चीज़ इसका हमें खुद नहीं पता, तो वाई शुड आई गिव यू या वी एज अ कंपनी गिव यू अ रिफंड और टेक आवर थिंग्स बैक व्हेन इट्स ओपनड, ठीक है। तो ये तो सिर्फ सही, अब ये बहुत बेसिक बात है, इट्स अ बेसिक लॉजिक, ये लोग आप खुद समझते हो जो काम करते हो, ठीक है। अच्छा, सो ये चीज़ क्लियर हो गई है। नाउ कमिंग टू वर्ड्स दीज पार्सल्स, जो चीज़ मैं बेसिकली दिखाना चाह रहा था वो ये होता है कि कभी कभार आपके पास उस पर लिखा होता है, नाउ इसके ऊपर लिखा हुआ है यू कैन सी क्लोदिंग, ठीक है। अब इसके अंदर कौन सी क्लोदिंग है ये तो नहीं पता मुझे, बट इस ये पार्सल इतना बोलता है कि इसके अंदर क्लोदिंग है। अब आई नो इट्स एन अपैरल, बट ये अपैरल क्या है आई डोंट नो। अब इस अपैरल की आप प्राइस देखो तो इट्स वैल्यू इज अराउंड $5 आई बिलीव। अच्छा, हुआ हुआ क्या है कि ये जो प्रोडक्ट है ना, देखिए अनक्लेम्ड, जैसे हम बताते हैं कि अनक्लेम्ड पार्सल्स होते हैं मेजॉरिटी, अब ये वाला स्टिकर उन्होंने यहाँ पर लगा दिया रादर देन डिस्क्रिप्शन के ऊपर लगाएं, तो 80% वो डिस्क्रिप्शन के ऊपर लगाकर छुपा देते हैं ताकि लोगों को ना पता हो कि अंदर इवन कैटेगरी कौन सी है, ठीक है। नंबर वन चीज़ तो ये हो गई। अच्छा, नाउ अनदर पार्सल, नाउ दीज आर रीडिंग ग्लासेस, हैवी पार्सल है। अब रीडिंग ग्लासेस हैं, अंदर कौन सी ग्लासेस हैं वी नेवर नो। अब इसके ऊपर क्यों रीडिंग ग्लासेस हैं, इट कंटेन्स, डिस्क्रिप्शन कंटेन्स दैट इट हैज रीडिंग ग्लासेस, कौन सी रीडिंग ग्लासेस है वी नेवर नो। अमाउंट $25, नाउ दिस पार्सल इटसेल्फ इज $25, ठीक है। अब एक पार्सल $25 का आपका पूरे बोरे में निकला, आप कन्वर्ट करें इसको क्या कहते हैं पाकिस्तानी रुपीज़, तो अगर आप 10 केजी की जो प्राइस पे कर रहे हो राउंड अबाउट उसकी 80% रिकवरी तो ये अकेला पार्सल कर जाता है। अब यहाँ पे आपकी स्केल है कि आपने इसको सेल आउट करना है। मैं वही कह रहा हूँ, दो तरीके के लोग हैं, वो लोग जो खुद के लिए रख रहे हैं या अपना वो इनर सेटिस्फैक्शन के लिए कि हम भी खोल के देखें, या वो लोग जो काम कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं दे नो हाउ टू सेल द स्टाफ, ठीक है। अब ये इसकी अमाउंट बता रही है, पार्सल खुद अमाउंट बता रहा है, लेकिन हर पार्सल नहीं बताता, बहुत कम पार्सल होते हैं जो बताते हैं। नाउ दिस ये हमारा फर्स्ट टाइम है, इट्स अ वेरी हैवी पार्सल, शेप से पता लग रहा है इट्स अ हेलमेट, और इसके ऊपर मेंशन भी है एंड इट्स अ $50 to $60 का हेलमेट है, ये आप नीचे देख भी सकते हैं, ठीक है। नाउ दिस हेलमेट बाय शेप आई कैन गेस कि जो मोटो जीपी की रेसिंग्स होती हैं, ठीक है, जो जिन्हें कहते हैं ऑफ रोडर बाइक्स होती हैं, जिस तरह YBR के अंदर YBR G का वेरियंट है जिसका मडगार्ड थोड़ा ऊपर होता है, दोज आर बेसिकली ऑफ रोडर बाइक्स। तो एक तो हैवी बाइक होगी, एक ऑफ रोडर बाइक्स होती हैं, वो भी बड़ी चलती हैं, तो ये हेलमेट की थोड़ी थोड़ी जो है ना बाहर निकली होती है, तो दिस हेलमेट इज़ फॉर दैट। आप इजीली गूगल पर जाएं, आप ऑफ रोडर बाइक हेलमेट सर्च आउट करें, आपको क्या क्या जात का हेलमेट नहीं मिलेगा। तो दिस इज़ अ $50 हेलमेट, अगर आप इसको PKR में कन्वर्ट करते हो तो इट्स आई बिलीव 160 का गेस चल रहा है आजकल, तो इट्स अराउंड 8,500-9,000 के अराउंड इसकी कॉस्टिंग है। लेकिन अगर आप लोकल मार्केट की बात करते हो, आप लोकल मार्केट में किसी भी वेंडर के पास चले जाओ, इस तरह का जो हेलमेट है इट्स अ वेटी हेलमेट, इसका मैं वेट अगर आपको बताऊं, अगर लिखा हो इसके ऊपर इट्स अ 1.4 kg का ये है, ठीक है। तो अगर आप लोकल मार्केट में या किसी भी ऐसी शॉप पर जाओ जहाँ पे हेलमेट बेचते हैं, तो आप लोगों को खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि 15,000 से नीचे इस तरह का, इस शेप का हेलमेट कहीं भी नहीं मिल रहा, ठीक है। नाउ ये इट्स अ प्योर लक, अगेन बता रहा हूँ इट्स अ प्योर लक। अब आप फॉर एग्जांपल ये लास्ट 20 केजी का माल है, तो ये आइटम सारी उसमें मौजूद होंगी, जो भी पूरा 20 केजी का स्टॉक उठाता है दैट पर्सन विल गेट दिस आइटम, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको थोड़ा नीचे रख दूँ, नाउ दिस इज अ सेट ऑफ हेयर ट्रिमर्स कॉस्टिंग $50, ठीक है, सॉरी $15, और आपके सामने ये ऊपर हेयर ट्रिमर लिखा हुआ है, ठीक है ना। दिस पैकेज कंटेन ट्रिमर, ठीक है। अब क्या ट्रिमर है, कौन सा ट्रिमर है, हमें क्या पता कौन सा ट्रिमर है, ठीक है। हमें सिर्फ इसके ऊपर अमाउंट लिखी मिल गई और ऊपर पता लगे कि इट्स अ हेयर ट्रिमर, ठीक है। अच्छा, इसी तरह इट्स अ $8 टी शर्ट, ठीक है। अब क्या टी शर्ट है, क्या साइज है, नहीं पता, सिंपल, ठीक है। नीचे आ जाते हैं, अच्छा जी, Now this thing contains nothing. अब इसके ऊपर लैंग्वेज भी वो जो हमारी समझ से बाहर है, ठीक है। इसके ऊपर लैंग्वेज एक तो वो है, दूसरा इसकी डिस्क, अगर लैंग्वेज को मैं ट्रांसलेट भी कर लूँ किसी तरीके से, तो आइटम डिस्क्रिप्शन कहीं भी नहीं मैंशन, ठीक है। ये मट्टी भी हो सकती है, ये सोना भी हो सकता है, ये हीरा भी हो सकता है, क्या है, वेटी चीज़ है, कोई वेट वाली चीज़ है, यू नेवर नो व्हाट इज इनसाइड इट। एक तो मैंने कैटेगरी पहले आपको दिखा दी जिसके ऊपर कैटेगरी मेंशन है,
ठीक है, वो द नाउन, एक ये कैटेगरी है जिसकी एक तो लैंग्वेज भी समझ से बाहर है, लैंग्वेज अगर ट्रांसलेट भी कर लें तो इसके ऊपर डिस्क्रिप्शन नहीं मैंशन, तो हमें नहीं पता क्या है। अच्छा, नाउ कमिंग टू वर्ड्स दिस, दिस पार्सल इज अराउंड 1.2 kgs, अगैन 25 डॉलर्स का ये पार्सल है, ठीक है, क्या है नहीं पता क्या है इसके अंदर, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है, लेकिन वेट है इसके अंदर। तो दिस इज द गेम बेसिकली। अगर मैं आपको थोड़ी अपनी स्टोरी बताऊं, तो जब हमने जिस दिन ये काम शुरू किया था, ठीक है, आवर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इट वॉज अ टोटल लॉस, ठीक है, हमारी जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट थी ना, हमने वो भी पूरी तरह रिकवर नहीं की। मैं यहाँ पे बैठा हूँ ना, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ, क्योंकि मेरा भाई मेरे सामने काम कर रहा है, वीनो का क्या चल रहा है, ठीक है, लाखों की नुकसान खाया, लाखों का नुकसान खाया हुआ, ठीक है, कितना है आई कैन नॉट टेल यू, बट अ हैवी अमाउंट, अ वेरी हैवी अमाउंट, ठीक है, लेकिन माशाल्लाह हार नहीं मानी, लगे रहे तो वो रिकवर भी कर गया, सही है। तो दिस हैपेंस, इट्स द पार्ट एंड पार्सल ऑफ एनी बिजनेस। अगेन बता रहा हूँ कि जो लोग रिस्क नहीं ले सकते, प्लीज कीप आउट ऑफ इट, यहाँ से वो दूर हो जाए, या वो सिंगल बाय सिंगल चीज़ बाय कर ले, जिस तरह जो हमने लास्ट वीडियो में ओपनिंग की हुई है, घड़ी है, इस तरह की जितने घड़ी चीज निकलाई कभी, ठीक है, कभी कोई जूता निकल आया, कभी कोई, फॉर एग्जांपल जैसे लास्ट वीडियो में वो हेयर स्ट्रेटनिंग का इक्विपमेंट था वो निकल आया था, ठीक है, तो वो ले लें, या वो ऐसे प्रोडक्ट में वहाँ से डील कर लें जो कि हम ओपन सेल करते हैं, जिस तरह वो है कॉस्मेटिक्स है, ठीक है। अच्छा, नाउ अब ये भी कोई $70 का पार्सल है, कोई कॉस्ट्यूम है, आई डोंट नो क्या कॉस्ट्यूम है, 1.5 kg एंड इट्स $70 का ये है, आप अगर इसकी प्राइस देखो तो इट्स $70 पार्सल, ठीक है, तो ये इतना भारी है कि मेरे एक हाथ में भी इतना सा नहीं पकड़ा जा रहा, तो अब एक एक पार्सल इतनी इतनी भारी अमाउंट का है, तो यू कैन ईजिली जज के भाई द गेम इज सेलिंग, जिन्होंने प्रॉफिट लेना है उनकी सेलिंग की गेम स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अच्छा, बिफोर आई मूव हेड, प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द रेड बटन, नीचे रेड बटन आ रहा होगा, या फिर चैनल वीडियो के नीचे आप सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, प्लीज़ डू मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन अबाउट योर थॉट्स, अबाउट एनी क्वेश्चन यू हैव, ठीक है, या कोई ऐसी वीडियो जो आप कमिंग डेज में वैसे देखना चाहते हैं, ठीक है, एंड प्लीज़ शेयर द वीडियो विद योर कलीग्स एंड विद योर सर्कल। अच्छा, अब जिसके ऊपर बेसिकली मैंने रखा हुआ है अपना माइक, ये बड़ी मज़े की चीज़ है, आजकल बहुत दिन है, ठीक है, मैं बड़ा चाह रहा था कि इसको बल्कि मैं आपको खोल के भी दिखा सकूँ, बट आई डोंट हैव द अथॉरिटी टू ओपन दिस पार्सल बेसिकली, लेकिन इट्स अ गेमर कीबोर्ड, एंड इट्स अ गेमर कीबोर्ड, इट्स $37 आई बिलीव, वो मिटा हुआ है क्या है बीच में, लेकिन व्हाट आई कैन रीड इज इट्स $37, और इसका जो वेट है इट्स अराउंड 1.3 kgs, ठीक है, एंड इट्स अ गेमर कीबोर्ड। अब जिनको गेमर, जो गेमर्स हैं, आजकल आपको पता है गेमिंग का बूम है, ठीक है, गेमिंग इक्विपमेंट्स, एक सादा कीबोर्ड मार्केट में 1500 से 2000 का बिकता है, ठीक है, तो गेमिंग कीबोर्ड आप अंदाज़ा आसानी से लगा सकते हैं, इसमें लाइटें शाइटें लगी हैं, ठीक है, तो कहते हैं शशका, ज़रा शशका आ रहा है उसके अंदर, तो वो कितना है, ठीक है, अब आई डोंट नो, हो सकता है सेट हो पूरा, हो सकता है इसमें माउस भी निकल है, बट वी डोंट नो। अच्छा जी, ठीक है, सो एक इसी तरह ये आखिरी नीचे डब्बा पड़ा हुआ, मैं इसको उठा नहीं सकता क्योंकि मेरा बेसिक माइक इस पे है, तो इस पे भी कुछ नहीं लिखा हुआ, तो राउंड अबाउट अगर आप कॉस्टिंग निकालो, ठीक है, एक $70 की प्रोडक्ट थी, एक $25 की प्रोडक्ट, एक $50 की प्रोडक्ट है, $37 की प्रोडक्ट है, एक आपके पास $30 की प्रोडक्ट थी, ठीक है, दो ऐसी प्रोडक्ट जिनको मैं मैंशन नहीं है, तो आप राउंड अबाउट देख लो तो $200-$250 तो आपके सीधे सीधे ये बन गया, $250-$300 आपके सब इन पार्सल्स का बन गया, ठीक है। सो आपसे सारी रिक्वेस्ट मैंने शुरू में कर दी, लास्ट की सब यही है कि वो लोग ब्लाइंड स्टॉक लें जो रिस्क ले सकते हैं, अगर नहीं लेना प्लीज ओपन स्टॉक हमसे बाय कर लें, ठीक है, और ये एंड यू विल गेट योर आंसर्स ऑन दैट, कमेंट सेक्शन में हमें बताएं वो कैसा लगा, एंड प्लीज मेक श्योर टू फॉलो अस ऑन आवर सोशल हैंडल्स, कंपनी का इंस्टाग्राम हैंडल लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, माय ओन इंस्टाग्राम हैंडल इज इन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, एंड अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, दिस इज फॉर साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।